लास्ट वीक हमने ये साइन फोर्ट को एक्सप्लोर किया था यहाँ साइन ईस्ट में, और इस फोर्ट को एक्सप्लोर करते समय हमें पता चला कि इस फोर्ट का और एक भाई भी है जो यहाँ से 6.5 किलोमीटर की दूरी पे तैनात है। और उसी फोर्ट को ढूंढते हुए हम आज पहुँचे हैं सिवरी, सिवरी ईस्ट में, और हमें यहाँ पे आके पता चला कि वो है सिवरी फोर्ट। तो आज हमने सोचा कि चलो आज हम सिवरी फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ, आज हम सिवरी फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन साइट्स, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ से अभी हम चलेंगे सिवरी फोर्ट, जो सिवरी स्टेशन से कम 5 या 6 मिनट की दूरी पे है। तो चलिए हम अब सिवरी फोर्ट पहुँचते हैं और आज सिवरी फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। चुके हैं और ये सिवरी स्टेशन आता है मुंबई के अवर लाइन में, और यहाँ से स्टेशन से आपको ये फोर्ट पहुँचने के लिए हार्डली 5 से 6 मिनट का समय आपको लगेगा। तो ये जो सामने स्ट्रेट रस्ते से आप अंदर आएंगे और बस यहाँ सामने ही आपको ये फोर्ट का रास्ता आपको यहाँ पे दिखेगा। तो दिस हार्डली जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम दी रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से जैसे ही हम राइट लेंगे तो हमारे सामने ये सिवरी फोर्ट आपको दिखाई देगा, जिसका यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी दिया हुआ है कि आप यहाँ से राइट लेना है सिवरी फोर्ट जाने के लिए। तो ये है इस फोर्ट का एंट्री पॉइंट, जहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना है फोर्ट के लिए। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड में आपको एक दरगाह दिखेगा, जो जलाल शाह और मुराद शाह जो दो भाई थे उन दोनों की दरगाह है। तो हम इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद इस दरगे के बारे में भी थोड़ा जानकारी लेंगे यहाँ के लोगों से। तो आइए पहले फोर्ट की तरफ चलते हैं। तो ये है इसका मेन एंट्री गेट, जहाँ से हम अभी आप फोर्ट के अंदर है। तो इस फोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक फोर्ट का प्रीमाइसिस है और ये फोर्ट के बाहर का जो लॉन एरिया है, और उसके बाद ये ऑर्केक वॉल है। बेसिकली ये एक पैसेज है जिसके थ्रू वापस हम फोर्ट के और अंदर जाएंगे। यहाँ पे ये देख के काफी अच्छा लग रहा है कि इस फोर्ट का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे काफी लाइट्स वगैरह भी लग रही है और इसे रिस्टोर करने का एक प्रयास चल रहा है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग विच गवर्नमेंट इज डूइंग, और ये काफी अच्छा पहल है गवर्नमेंट की तरफ से इस पीस ऑफ हिस्ट्री को रिस्टोर करके आगे के फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखने की। तो आइए अब हम इस फोर्ट के अंदर चलते हैं। इसे काफी खूबसूरती से बनाया हुआ है, इसके सीलिंग भी स्टोन्स के बने हुए, एंड इट इज इन अ वेरी गुड शेप एंड इन अ वेरी गुड फॉर्म। तो आइए यहाँ से अब हम फोर्ट के अंदर एंटर करते हैं। ये छोटा सा गेट है जिसके थ्रू हम अभी इस गेट इस फोर्ट के मेन लॉन एरिया में हैं। तो ये है सिवरी फोर्ट जो इस तरीके से दिखता है अंदर आने के बाद। ये सिवरी फोर्ट का निर्माण हुआ था 1680 में, जब ब्रिटिशर्स सूरत से शिफ्ट होके मुंबई में अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, और 1672 में सिद्दीज जो अफ्रीका से आए थे और अलीबाग और कोंकण रीजन में सेटल थे, और मुगल्स अपने ब्रिटिशर्स को अपने दुश्मन समझते थे और यहाँ पे वो काफ़ी अटैक्स करने
करना शुरू कर दिए थे। तो 1672 से यहाँ पे काफ़ी अटैक्स सिद्दीज और मुगल्स के थ्रू चालू हो गया था, जिसके कारण ये एक वॉच टावर या एक फोर्ट ब्रिटिशर्स को बनाना पड़ा। तो ये इस फोर्ट को इस तरीके से बनाया है कि उन्हें अरेबियन सी के ऊपर जो भी गतिविधियाँ वगैरह होती है, या बिकॉज ये एक ही साइड था जहाँ से सिद्दीज और मुगल्स यहाँ पे आ सकते थे। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है अरेबियन सी, जिसके थ्रू उनके वॉरशिप्स यहाँ पे आते थे और वो यहाँ से ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करते थे और मुंबई के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते थे। इसी रीज़न के वजह से ब्रिटिशर्स को ये फोर्ट बनाना पड़ा, ये वॉच टावर बनाना पड़ा, ताकि वो इनके जो वॉरशिप्स है उसकी गतिविधि के ऊपर नज़र रख सके और वो यहाँ पे आने के पहले, इस फोर्ट को इन्वेड करने के पहले उनके ऊपर अटैक कर सके। तो दैट इज़ वाई दिस फोर्ट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम फॉर ब्रिटिशर्स मुंबई में। ये फोर्ट काफ़ी डिस्टॉर्टेड हालत में है, इसलिए इस फोर्ट को थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जस्ट कोशिश समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें किस टाइप के रूम्स बने हुए हैं, कहाँ पे सोल्जर्स रहते थे, कहाँ पे उनका एम्यूनिशन वगैरह वो रखते थे। बट इसका काफ़ी पार्ट डैमेज हो चुका है, जिसके कारण ये थोड़ा समझना काफ़ी मुश्किल है। तो सेकेंडली इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो सामने का जो दीवार है वो सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम के लिए बनाया हुआ है, और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे लगता है कि मतलब इन्होंने इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि एक दो अटैक में इसके आगे की दो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी फोर्ट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट, तो फिर भी मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और चलिए इसे और एक्सप्लोर करते हैं और इसे और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इस फोर्ट के बारे में और कुछ जानकारी पता है या और कुछ इंफॉर्मेशन अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, बिकॉज आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फोर्ट। तो जो भी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में आप बताइए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड ऑल दैट। और यहाँ से अभी हम जस्ट थोड़ा ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो रूम्स बने हुए हैं आई थिंक इट्स वेरी डार्क और काफ़ी अंधेरा है, तो मैं सोच रहा हूँ अंदर जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट थोड़ा स्कैरी भी लग रहा है, बट लेट्स सी, देखते आगे चल के इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो ये यहाँ से अदर एंड के ऊपर वॉच रखने का एक छोटा सा टावर जैसा है, यहाँ से आप सिवरी की तरफ मतलब इसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पूरा सिवरी दिखता है, सिवरी ईस्ट दिखता है, और उस समय पे यहाँ पे काफ़ी मैनग्रोव्स हुआ करते थे, बिकॉज जो दरिया था वो इतना काफ़ी नज़दीक था। तो आई थिंक ये पूरा फोर्ट मैनग्रोव से कवर था, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है, बट आई एम नॉट श्योर। बट एक छोटा सा फोर्ट है, बट इसे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटिफुली इसे बनाया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बिल्ड किया हुआ है। अभी भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इतने सालों के बाद भी, एंड इट इज़ रियली वेरी नाइस एंड ब्यूटिफुल। इसे थोड़ा अगर रिस्टोर करके अगर हम थोड़ा पेंट वगैरह करेंगे तो इट विल बी अ वेरी गुड पीस ऑफ हिस्ट्री फॉर आवर चिल्ड्रन। तो अब यहाँ से जस्ट फोर्ट के ऊपर के पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहाँ से आई थिंक एक बहुत ही अच्छा व्यू हमें अरेबियन सी का दिखेगा। तो आइए यहाँ से हम जस्ट ऊपर चलते हैं, जो सामने जो रूम है उस तरफ। वाह, यहाँ से एक बहुत ही अच्छा आपको व्यू मिलता है, आपको
पूरा अरेबियन सी का यहाँ से व्यू मिलता है। और सामने राइट साइड पे आप जो ब्रिज देख रहे हैं, ये मुंबई का ही नहीं, ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो 21.8 किलोमीटर का ये ब्रिज है अरेबियन सी के ऊपर, जो सिवरी मुंबई को नवासेवा से जोड़ेगा। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मुंबई के लिए, और ये दोनों प्रोजेक्ट मिलकर मुंबई को एक फास्ट पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कन्वर्ट कर देगा। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर मुंबई और मुंबई के लोगों के लिए। हम फोर्ट के लॉन एरिया में है और यहाँ से हम एक दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं। बेसिकली ये इस फोर्ट का पहला डिफेंस वॉल है, जैसे यहाँ पे अंदर आएंगे तो आप ये देख सकते हैं। तो ये बाउंड्री वॉल के बाद दूसरा सबसे पहला डिफेंस वॉल है, और जो ये सर्कुलर होल्स आप जो देख रहे हैं जो टॉप के वॉल पे है, ये बेसिकली रूफ के सपोर्ट के लिए बीम्स रखे जाते होंगे, तो शायद ये उसके होल्स है। ये आई थिंक ऑन द ऑपोजिट साइड जो होल्स है यहाँ से मोस्ट पब्ली वो गन वगैरह से अटैक करते होंगे, ऐसा मेरा सोच है, बट अगेन आई एम नॉट श्योर। तो चलिए हम अभी इसके दूसरे रूम से वो भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे जो दो डार्क रूम्स है हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, वो थोड़ा स्कैरी है बट चल के उसके भी एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी डार्क है। ओके, ये तो एक ह्यूज हॉल जैसा एक रूम है, ये बेसिकली एक स्टोरेज रूम जैसे लग रहा है। इट्स लाइक अ ह्यूज स्टोरेज रूम, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे वो आर्म्स एम्यूनेशंस या कुछ खाने का सामान वगैरह यहाँ पे स्टोर करते थे। बेसिकली ये एक ह्यूज स्टोर हाउस जैसा है। ये बाहर से डार्क लगता है जब आप अंदर आएंगे, बट अंदर काफ़ी उजाला है एंड प्लस इट्स वेरी एयरी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा, ये रूम काफ़ी ठंडा है और बहुत अच्छा हवा अंदर आ रहा है इसकी तरफ। इसके ऑपोजिट भी सेम एक पैरेलल ऐसा ही रूम है, चलिए हम उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। ये बाहर से इतना डार्क दिखता है पर अंदर देयर इज टू मच ऑफ लाइट। चलिए अब इसके भी अंदर हम जाते हैं। आई होप देयर आर नो स्नेक्स देयर। ओके, सो ये भी एक सेम पैरेलल रूम है जैसे हमने अभी लेफ्ट साइड में देखा, उसी तरह का एक बड़ा सा स्टोर हाउस जैसा है। This is quite interesting. चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाकी के इस फोर्ट के पार्ट्स और जस्ट चेक करते हैं। तो यहाँ से एक रास्ता है फोर्ट के टॉप एंड पे जाने के लिए, बट आई थिंक इसे ब्लॉक करके बंद कर दिया गया है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न माइट बी, बट हम ऊपर और नहीं जा सकते हैं, या मे बी यहाँ से ऊपर जाने का कोई रास्ता था वो शायद बंद कर दिया गया है, इसलिए वी कांट गो ऑन दी टॉप फ्रॉम दिस साइड।
मतलब स्काई कितना अच्छा क्लियर दिख रहा है, इट्स अ वेरी नाइस व्यू। चलिए अभी हम इस फोर्ट को बाहर की तरफ से देखते हैं। अब इस फोर्ट से हम जस्ट बाहर निकलते हैं और इसका जो बाहर जो लॉन एरिया है और जो इसका मेन डिफेंस वॉल है, हम जस्ट उसको एक्सप्लोर करते हैं। So this is the outer side of the fort. इस तरीके से ये fort दिखता है बाहर से, और इसके सामने जो wall है वो है उसका defense wall। तो हम ये fort और defense wall के बीच की जो passage है हम वहाँ पे है। That side का कुछ defense wall है जो already destroy हो चुका है, जो टूट चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ से हमें ये सामने का Arabian Sea और ये bridge हमें यहाँ से दिखाई देता है। तो लेफ्ट साइड में जो वॉल है ये इसका फर्स्ट डिफेंस वॉल है। तो आइए इसको हम ऑपोजिट साइड से, दूसरे साइड से जाके देखते हैं। तो अब हम इसके मेन गेट के पास है, जहाँ से हम फोर्ट के अंदर एंटर हुए थे। ये लेफ्ट साइड में जो आप डोर देखते हैं, यहाँ से हम फोर्ट के अंदर एंटर हुए थे और यहाँ से हम बाहर इसकी लॉन की तरफ का एरिया एक्सप्लोर करेंगे। तो राइट साइड में ये इसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वॉल है और ये बीच का पैसेज है फोर्ट और डिफेंस वॉल के बीच में। तो दिस इज हाउ दिस फोर्ट लुक्स, छोटा सा बट इट इज़ अ वेरी नाइस एंड ब्यूटिफुल फोर्ट। तो आज भी इतने सालों के बाद भी इट इज स्टैंडिंग टॉल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। आइए यहाँ से ये पूरा पैसेज का एरिया हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से ये वॉल और आई थिंक थोड़ा सा इसका क्लिप भी काफ़ी डैमेज हो चुका है। तो ये था एक छोटा सा टूर सिवरी फोर्ट का। अगर अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे आप लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए। अब हम यहाँ से बाहर निकल के लेफ्ट साइड में जो ये दरगाह है, हम थोड़ा उस दरगाह को एक्सप्लोर करते हैं। आपका नाम बताएंगे सर आप? ओके, मुझे थोड़ा इस दरगाह के बारे में जानकारी देंगे आप? ये दरगाह कितना कितने साल पुराना दरगाह है? कम से कम 350-400 साल पुराना। अच्छा, और थोड़ी कुछ जानकारी दे सकते हैं इस दरगाह के बारे में? दो भाई की मजार है इसमें। जी सैयद जलाल शाह रहमत उल्लाह ने सैयद मुराद शाह रहमत उल्लाह जी शायद अपना मदीने से आए हुए जी, और पहाड़ पे जब से, अब हमारे तो बाप दादा पहले से ही, हमारे पहले से ये दरगाह समझ जाओ कि उनको भी नहीं मालूम होगा कि कभी किया। ओके, फिर भी लगभग ये 350-400 साल पुरानी दरगाह, क्योंकि किला भी उसके बाजू में आप देख रहे थे, किला भी बन के 1680 में बना जी। तो इसको बन के आप हिसाब लगाए तो 350-400 साल ऐसा, इसके पहले की दरगाह। अच्छा, तो ये किला बनने से भी पहले ये दरगाह? पहले की दरगाह। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर आपकी जानकारी। तो अभी हम इस फोर्ट से चलते हैं, अब यहाँ से चलने का समय हो गया और यहाँ से अब हम जाएंगे सिवरी वेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे मुंबई का एक सबसे बड़ा यूनिक मार्केट लगता है, हम उसी भी एक्सप्लोर करेंगे आज। सिवरी वेस्ट में जाने के पहले यहाँ पे रास्ते में जो स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक जॉइंट है जिसका नाम है विट्ठल वड़ा पाव, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वड़ा पाव है मुंबई में, क्योंकि ये एक लौटा वड़ा पाव सेंटर है पूरे मुंबई पे, जहाँ पे वो चूल्हे के ऊपर वड़ा पाव बनाते हैं। जी हाँ, ये लकड़ी के चूल्हे के ऊपर वड़ा पाव बनता है
और ये मुंबई में सिर्फ एक ही ऐसा स्टॉल है जहाँ पे वुडन फायर के ऊपर आपको वड़ा पाव बनते हुए दिखेगा। और इनका वड़ा पाव काफ़ी टेस्टी है एंड इट इज़ वेरी नाइस। इनका चटनी एंड वड़ा ग्रेवी वेरी टेस्टी, क्योंकि इनके वड़े में आपको एक अच्छा स्मोकी का एक अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि ये चूल्हे के ऊपर बना हुआ है और ये करीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है एंड दे आर वेरी फेमस इन दिस एरिया। तो आप जब भी सीवरी ईस्ट में आएंगे तो स्टेशन के पास ही आप विट्ठल वड़ा पाव पे आप आना आपको बनता है एंड यू हैव टू कम एंड टेस्ट देयर वड़ा पाव ओवर देयर। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस दिन मैं यहाँ पे आया था इट वॉज ऑन संडे, तो उनका शॉप बंद था जिसकी वजह से मैं उनको कवर नहीं कर पाया। इसके लिए मैं ये कुछ फोटोग्राफ्स आपके लिए लाया हूँ और आई इंसिस्ट कि आप जब भी सीवरी आएंगे तो यू नीड टू हैव देयर वड़ा पाव, दे आर वेरी डिलीशियस एंड वेरी यूनिक इन एंटायर मुंबई। अगर आप यहाँ पे कभी आए हैं और इनका वड़ा पाव टेस्ट किए हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लास्ट यहाँ पे कभी आए थे और कितने साल पहले आके इनका आपने वड़ा पाव टेस्ट किया था, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई विल लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स। तो अब यहाँ से सीवरी वेस्ट भी जाते हैं और वहाँ पे जाके एक यूनिक मार्केट को हम कवर करते हैं, तो आइए मेरे साथ। इस वक्त हम हैं सीवरी वेस्ट में, जहाँ मुंबई का सबसे बड़ा मार्केट है ड्राई फिश के लिए। और ये मार्केट जैसे मुझे यहाँ से लोकल से पता चला है कि लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये ब्रिटिश के ज़माने से ये मार्केट है और जो ड्राई फिश लवर्स है उनके लिए तो ये हेवन है। अभी नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे मुंबई पे मानसून स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। जो लोग ऑल पार्ट्स ऑफ मुंबई से यहाँ पे आते हैं ड्राई फिश लेने के लिए एंड दिस इज़ अ ह्यूज मार्केट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ ड्राई फिश इन मुंबई। तो जब भी आप सीवरी फोर्ट आएंगे या आप सीवरी आते हैं तो आपको यहाँ पे विजिट करना आई थिंक ज़रूरी है। यू विल लव दिस प्लेस। ये एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल मार्केट है मुंबई में, आई थिंक एंड इट इज़ रियली नाइस टू वॉच इट। और ये आज भी उसी तरीके से ट्रेडिशनल वे के तरीके से ही यहाँ पे सेल हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप क्राउड देखेंगे तो खाली मुंबई ही नहीं, बाकी नवी मुंबई और कई दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं ड्राई फिश लेने के लिए। तो अभी नेक्स्ट मंथ में जो मानसून आएगा उसके पहले स्टॉक घर पे स्टॉक करके रखने के लिए। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ मस्ट विजिट प्लेस व्हेन यू कम टू सीवरी। तो बेसिकली ये एक टूर था सीवरी फोर्ट का और प्लस ये उसके आसपास जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का कॉन्टेंट्स हम आगे भी एक्सप्लोर करेंगे मुंबई के और डिफरेंट पार्ट्स में जाके। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।